बट गर्मी में क्या होता है कि हमारा लीवर जो है ओवर एक्टिव होता है, तो हमें शुगर की ज्यादा जरूरत होती है। और हाँ, गर्मियों में एक बात ध्यान रखना कि जितना प्रोटीन और फैट, ये दो चीज गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इस समय सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करने के कारण बनते हैं। और सर्दियों में आपको ठोस आहार ज्यादा खाना चाहिए, उसमें पानी वाले कम, और उस समय खट्टे फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मी शुरू होने जा रही है और कमेंट बॉक्स में यह आना शुरू हो गया, क्योंकि कई भारत के स्टेट में गर्मी बढ़ने लगती है। और अब सब मेरे जो पुराने विद्यार्थी है, सब्सक्राइबर है, कहने कि सर गर्मी में किस तरह का आहार खाएं। देखो भाई, सच में पूछा जाए ना तो ऐसी बातें पूछना मैं इसको ना बेकार मानता हूँ, नॉनसेंसिकल मानता हूँ। क्यों मालूम है? अरे भाई, कॉमन सेंस भगवान ने दिए। गर्मी में गर्मियों के आहार आते हैं, सर्दियों में सर्दियों के आहार आते हैं, तो गर्मियों में मैक्सिमम आप लोगों को फ्रूट्स खाना चाहिए, स्वीट फ्रूट खाना चाहिए, पानी वाले आहार खाना चाहिए, और सर्दियों में आपको ठोस आहार ज़्यादा खाना चाहिए, उसमें पानी वाले कम, और उस समय खट्टे फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि सर्दियों में सब्जियां ज्यादा आती है और उस समय खट्टे फल ज्यादा आते हैं। और आपने ये भी देखा होगा सर्दियों में पहाड़ों के ऊपर भी ये सब तरह तरह के जो खट्टे फल होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, एप्पल्स हैं, रसबेरी है, कई तरह के जो खट्टे फल होते हैं वो ज्यादा आते हैं। तो आपको उस समय खट्टा फल चाहिए और कम पानी वाली खुराक चाहिए और वेजिटेबल ज्यादा चाहिए उस समय, तो क्योंकि उस समय वो हमारी बिल्डिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा होती है सर्दियों में। और गर्मी में क्या होता है कि हमारा लीवर जो है ओवर एक्टिव होता है, तो हमें शुगर की ज़्यादा जरूरत होती है और हमारी पर्सपिरेशन में पसीना निकलता है, हमें पोटाशियम भी ज़्यादा जरूरत होती है। इस समय हमें कुदरत या परमात्मा, आप ये समझ लें कि वो आपको सारे पानी वाले आहार देता है, तरबूज देता है, खरबूज देता है, खीरा देता है, खपड़ी देता है, घिया देता है, तुरी देता है, यानी कि ऐसे पानी वाले आहार आपको मैक्सिमम खाने चाहिए। और इस समय गर्मी में मैक्सिमम आपको जाना मीठे फल खाने चाहिए, और आपका जितना ज्यादा मीठा फल खाओगे, और क्योंकि इस समय सलाद ज्यादा नहीं खा सकते, इस समय खीरा टमाटर के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो क्या खाओ? तो इसलिए इस समय खीरा टमाटर के अलावा या प्याज के सिवा और कोई ज्यादा फल सब्जियां तो मिलती भी नहीं है। तो गर्मियों में सब्जियां कम और फल ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अनाज में खाना है तो अंकुरित अनाज खाओ, क्योंकि वो अनाज भीग कर थोड़ा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो भी बॉडी में जाकर लाभ देता है हमें। तो इस तरह से फल है और थोड़े बहुत जो सलाद अवेलेबल है और थोड़े जो स्प्राउट्स हैं इनको खाओ। और जो ताज़ा नारियल होता है ना, वो तो गर्मियों का ही भोजन है, तो इसलिए ताज़ा नारियल अच्छी मात्रा में खा सकते हो। और अगर मूंगफली खानी पड़े तो भिगो कर खा सकते हो, और अगर आपको बादाम, नारियल, ये सब बादाम वगैरह खाना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, बादाम भिगो कर आप उसका दूध बनाकर आप लोग पी सकते हैं। जैसे ठंडा एक पीते हैं भारत के अंदर बादाम, तरबूज, खरबूजे के बीच के, और इसमें गाय भैंस का दूध मत डालना, उसका अपना ही दूध बन जाता है। आप काली मिर्च, गुलाब के पत्ते जो भी डाल के जैसे बनाते हैं, तो आप ठंडाई पी सकते हो गर्मियों के अंदर। और हाँ, गर्मियों में एक बात ध्यान रखना कि जितना प्रोटीन और फैट, ये दो चीज गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इस समय सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करने के कारण बनते हैं। इस समय स्टार्च और शुगर ज्यादा खाना चाहिए, यानी कि गर्मियों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना चाहिए और सर्दियों में प्रोटीन और फैट खाना चाहिए। ये दो बातें कभी भी ध्यान में रख लें। इसलिए इस वक्त आप जितना अनाज दाल कम खाओगे, घी तेल कम खाओगे, मसाले कम खाओगे ना, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। और अगर अनाज में सिलेक्शन करना पड़े तो मैं आपसे कहूंगा चावल को ज्यादा सिलेक्शन करें, गेहूं को कम, दालों को कम, और दाल भी खानी पड़े तो मूंग की दाल। लेकिन इससे ज्यादा हैवी दालें, छोले, राजमा, बेसन, उड़द खाओगे ना परेशान हो जाओगे, बता रहा हूँ। और इस तरह तो ऐसे करके अनाज की मात्रा कम रखें। और आप तो जानते हैं कि ज्वार भारत में बनता है, मिलेट्स वगैरह कई तरह के, ये भी सब आप इस सीजन में खा सकते हैं जो हल्के होते हैं और उनमें कम प्रोटीन, स्टार्च, फैट होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।
ठीक है। तो गर्मियों का आहार आप समझ गए होंगे, गन्ना, गन्ने का रस कितना आता है, नीरा आता है, नारियल पानी आता है, लाल पान की मलाई आती है। दोस्तों इनका भरपूर इस्तेमाल करो ना, कभी भी गर्मी की जितनी प्रॉब्लम होती है ना, उल्टियाँ होना, दस्ते होना, बड़े फुलसी होना, लीवर खराब हो जाना, ये खराब हो जाना होता, चक्कर, कई बार कई तरह की बुखार पैदा हो जाना, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी मजेदार बात के हवाले में, आपको कितनी भी 50 डिग्री गर्मी रहने दो, आप तो भीतर से कूल रहोगे, ठंडे रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब अंदर ही गर्मी नहीं है तो बाहर की गर्मी तुम्हारे अंदर से कितना पसीना निकालेगी। तो दोस्तों ज़्यादा पानी पीने की झंझट भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको तो फलों से ही काफ़ी पानी मिल जाता है। इसीलिए गर्मियों में आप फल जो आ रहे हैं ना, इनका भरपूर मज़ा लीजिए और पूरी गर्मी में ना आप स्वस्थ रहिए, बस।